आज आपके साथ एक एज डेमो ज्वाइन कर रखे हैं मिलिंद जी, ये भी यूएई से ज्वाइन किया है, गो टू मीटिंग से, क्योंकि यूएई में ये क्या बोलते हैं बैन हो गया बहुत सारे जगहों पे जूम है, तो इसलिए गो टू मीटिंग लेना पड़ा हमें। तो आज हम मिलिंद जी आपके मैच से शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट कर। तो आज हम बात कर रहे हैं एज ए सॉर्टिंग एंड फिल्ट्रेशन के बारे में। तो चलिए हम बताते हैं कि सॉर्टिंग एंड फिल्टर क्या इस्तेमाल क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्टिंग के ऊपर कि शॉर्ट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो शॉर्ट का इस्तेमाल होता है डेटा को किसी एक एंगल पे, किसी एक सीक्वेंस पे शॉर्ट करना। जैसे मान लीजिए कि पर्टिकुलर नाम है आपके पास, नाम का लिस्ट है, उस लिस्ट को आप अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाहते हैं तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे एक किसी एक के अकॉर्डिंग करना है, मान लीजिए मुझे करना है सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग, तो मैं सेल्स पर्सन पे कर्सर को रखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ शॉर्ट में जाऊंगा, शॉर्ट ए टू जेड करूंगा, डेटा शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन इसका एक ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखिएगा कि आप जब भी शॉर्ट करेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका डेटा जो है वो डेटा आपका पूरा का इस डेटे के अंदर में पूरा का पूरा रो ब्लैंक तो नहीं है। अगर पूरा रो अगर ब्लैंक हुआ तो फिर शॉर्टिंग आपका इतने ही एरिया में होगा। ठीक है करण जी, उदय जी, रवि जी, हाँ सर। शॉर्टिंग कितने एरिया में होगा, नीचे का एरिया नहीं होगा। फिर नीचे एरिया करने के लिए आपको मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसी बता रहे थे आपको, तो एक कॉलम के अकॉर्डिंग करना है तो आप उस पर कर्सर रखिए और सीधे शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए कर दीजिए, आपका उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को भी या फिर कुछ और करना चाहता, कई सारे सेल्स को करना चाहता हूँ, तो फिर आपको इस्तेमाल करने होंगे कस्टम शॉट। कस्टम शॉट पे जाइए और यहाँ पे आपके सामने है, जैसे कि मैं करना चाहता हूँ सेल्स पर्सन, मैंने यहाँ पे एड लेवल ऐड कर दिया और मैं करना चाहता हूँ प्रोडक्ट। अब ओके कर दीजिए, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो इतनी चीजें तो मुझे जहां तक अनुमान है कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर कुछ चीजें हैं जो कि मुझे लगता है आपको पता ना हो। चलिए उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपके डेटा में कोई मंथ होगा इन द टेक्स्ट फॉर्मेट में, जैन फेब मार्च इस तरह से। अब अगर आप मंथ के अकॉर्डिंग अगर शॉर्ट करते हैं तो आपका पहले अप्रैल आएगा न कि जनवरी, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम कस्टम शॉर्ट पे जाएंगे और कस्टम शॉर्ट पे जाने के बाद जहां पे मंथ सिलेक्ट है उसी के नीचे देखिए कस्टम लिस्ट आता है। एक कस्टम लिस्ट आपको याद होगा उदय जी, शायद आप थे उस समय क्लास में, हमने आपको डेटा की जो एक चीज एक्सेल की जो ए पढ़ाया था सेटिंग, याद है सर एडवांस में, हाँ जी, याद है। तो एक्सेल सेटिंग में हमने आपको इसको ऐड करना सिखाया था। तो यहाँ पे आप उसको सॉर्टिंग में भी चूज कर सकते हैं, जैसे जैन फेब ले लिया तो ओके करेंगे तो अब जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा। आपको फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, फाइनेंशियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो आप कस्टम शॉर्ट पे जाइए और यहाँ कस्टम लिस्ट में आप अपने खुद के सॉर्टिंग लिस्ट बना लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है अप्रैल से दिसंबर मार्च, सॉरी, तो फिर वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा। तो सिर्फ मंथ ही नहीं, किसी भी कॉलम फील्ड में सिटी है, नेम है, आप चाहते हो कि आपका सॉर्टिंग ऑर्डर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए टीम मेंबर्स है आपके, तो पहले सीनियर मैनेजर है, फिर मैनेजर्स है, फिर एग्जीक्यूटिव्स है, तो उसके उसका करना चाहते हो कि हाँ कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरे डेटा में लिस्ट मैं नहीं ले सकता, क्यों ले सकता, क्योंकि प्रॉब्लम है कि मेरे पास बहुत डेटा है। ठीक है सिटी ले लेते हैं, सिटी बहुत बहुत डेटा है हमारा,
लेकिन मुझे टॉप 5 सिटी, मैं 5 ऐसे सिटी है उसको ऊपर रखना है, बाकी को मतलब नहीं, बाकी अल्फाबेटिक होना चाहिए। तो मैं उस 5 सिटी को, जैसे कि दिल्ली था, जिस तरह से आपके पास पुणे है, पटना है, मैं बना के इसको ऐड कर दिया, एंड ओके एंड। तो यहाँ पे देखिए, दिल्ली, पुणे और पटना इकट्ठा आया, बाद बाकी अल्फाबेटिक शॉर्ट हो गया। तो आप इस तरह से शॉर्ट कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ सर, मृण जी, कोई डाउट इसमें? तो ये हमारा हुआ। अब बात करते हैं कि जैसे आप लोग कभी कभी क्या करते हो कि जब आप कुछ डेटा को रीचेक करते हो, कहीं पे कुछ गलत या कुछ अलग चीज दिखता है, तो जनरली हम उसको हाईलाइट कर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर कलर से, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। अब मुझे ये जो कलर हाईलाइट हुआ है, मुझे उसको शॉर्ट करके एक सेल ऊपर रखना है। तो यहाँ हम कस्टम शॉर्ट पे आएंगे, और जैसे कि मैंने सिटी सिलेक्ट किया, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू की जगह पे हम देंगे, जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो सेल कलर दिखेगा। अब मैं सेल कलर को सिलेक्ट किया और यहाँ चले गए कलर लिस्ट पे, कलर लिस्ट को सिलेक्ट किया, कलर आपका ऑन द टॉप होगा या ऑन द बॉटम होगा, वो यहाँ पे आप डिसाइड करें। एंड ओके करें तो आप देखिए आपका कलर एरिया टॉप पे आ गया। कलर ही नहीं, अगर मान लीजिए आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन्स का इस्तेमाल किया हुआ है और आप आइकन्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं कस्टम सॉर्ट पे। यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया क्वांटिटी और सेल कलर की जगह पे हमने ले लिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन, इसको सिलेक्ट किया, जो आइकन आपको ऊपर रखना है उसको सिलेक्ट करके ओके किया। तो यहाँ पे देखिए आइकन्स आपके सामने टॉप पे है। ठीक है, ये आपका कस्टम शॉट। कस्टम शॉट में एक और भी था जिसमें हमने यहाँ दिया हुआ था, यहाँ पे फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर अकॉर्डिंगली शॉर्ट कर सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अभी तो यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह दिख रहा है, मतलब जो हेडिंग दिख रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है? कि माई डेटा हैज ए हेडर पे यहाँ क्लिक है। अगर ये क्लिक नहीं होगा या कभी ऐसा लगे कॉलम ABCD दिखे, तो याद रखिएगा कि यहाँ इस पे क्लिक नहीं है। एंड ओके। अब इसमें यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारे यहाँ पे आपके ये है, मतलब कि डेटा है इसमें, कुछ ऐसे हैं, मान लीजिए मैं इसमें नाम में ही चला जाता हूँ, जो देव है, तो देव स्मॉल में भी है और यहाँ पे मैं कैप्स में भी लिख देता हूं। तो मैं सॉर्ट करते समय चाहता हूं कि भाई कैपिटल, अभी तो मिक्सअप होगा, मैं चाहता हूं कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ देव एंड स्मॉल लेटर में लिखा हुआ देव दोनों अलग अलग तरीके से शॉर्ट हो। तो शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट करते समय यहाँ ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहाँ ऑप्शन में जो ऑप्शन दिख रहा है केस सेंसिटिव, इस केस सेंसिटिव को यहाँ क्लिक करके ओके कर दीजिए एंड ओके कीजिए। उसके बाद आप शॉर्ट में देखेंगे, सॉरी नाम बाय शॉर्ट हमने सेलेक्ट करना भूल गए। यहाँ हमने सेल्स पर्सन जो है उसके अकॉर्डिंग हम शॉर्ट कर देते हैं। और ऑप्शन में केस सेंसिटिव पे क्लिक कर दिया एंड ओके। यहाँ देखिए, ये आपका विनोद है, ये आपका स्मॉल लेटर का देव है, ये आपका कैपिटल लेटर का देव। ये तो शॉर्टिंग की बात हो गई टॉप टू बॉटम की। लेकिन अगर मान लीजिए कोई डेटा आपके पास राइट टू लेफ्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम दे दिया,
और यहाँ मैं नेम भी मंथ कर देता हूँ, मंथ, और यहाँ सेल्स दे देता हूँ। नाम के लिए चैनल इस तरह से नाम है हमारे, मैं चाहता हूं कि मेरा शॉर्ट जो है वो शॉर्ट होना चाहिए लेफ्ट टॉप टू बॉटम नहीं लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जब भी शॉर्ट करेंगे ध्यान रखिएगा आप हेडिंग को नहीं लेंगे। यहाँ कस्टम शॉर्ट में आते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट को सिलेक्ट करते हैं एंड ओके रोलेबल वन एंड ओके, आपका शॉर्ट हो गया। इसी तरह से आप टॉप टू बॉटम राइट टू टॉप डाउन कर सकते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है इसके बारे में चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक मेथड सीखना होगा। जैसे कि आपके सामने शीट वन में डेटा कुछ है, तो मुझे क्या करना है कि इस डेटा में हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो ऐड करनी है। उदय जी बता सकते हैं ये कैसे करूंगा मैं? हेलो हाँ सर, बता सकते हैं कैसे होगा? वो एक बार F4 बताया था आपने कि F4 दबाए तो वापस हो जाता, होता रहे करके, एक्शन रिपीट होगा करके। हाँ तो वन बाय वन करना पड़ेगा ना फिर, अगर मान लीजिए 5,000 10,000 डेटा है तो 5,000 10,000 F4 F4 करते जाएंगे तो पता चलेगा सुबह से शाम एक तक। मेथड है लेकिन याद नहीं है मुझे, अभी यूज नहीं किया मैंने। हम बताते हैं एक में तो एक चीज मैं कुछ बताऊंगा, एक चीज आपको बताना पड़ेगा सुन ढूंढ के, ठीक है? ठीक है जी। सीरियल नंबर लिखा वन एंड टू, हम क्या करेंगे सीरियल नंबर दे देते हैं। अब मुझे हर एक रो के बाद एक ही कॉलम ऐड करना है, तो मैं एक को कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया और पूरे को सिलेक्ट किया। अभी मेथड क्या करता है कि वन जो है हमारा वो है, जब सॉर्टिंग करेंगे तो वन और नीचे वाला वन जहां मैनुअली पेस्ट किया रिपीट किया है दोनों तो इकट्ठा हो जाएगा, तो ये अकेले तो नहीं जाएगा, तो पूरा रो लेके जाएगा ना। तो एक रो में तो डेटा है हमारा वन और दूसरे वन में हमारा ब्लैंक है, एक डेटा एक ब्लैंक एक डेटा एक ब्लैंक हो जाएगा। तो कस्टम शॉर्ट सीरियल नंबर एंड ओके, ठीक है सर, समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आप सीरियल नंबर को डिलीट कर दो इसको। अब एक और इसमें हो, हाँ सर, नीचे तक सीरियल नंबर कैसे सिलेक्ट हुआ, मतलब जहां तक का आपका डेटा वहां तक सिलेक्ट हुआ, उसके नीचे वापस 1 2 3 पर कैसे गया? अब जब डबल क्लिक किया बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे वन वन लिखा, यहाँ वन लिखा और टू लिखा, इन दोनों को सिलेक्ट किया। अभी क्या होता है कि एक तो आप मैनुअली ड्रैग कर सकते हो राइट, दूसरा होता है कि इस पे आप जैसे डबल क्लिक करोगे तो इसके बगल वाला जो कॉलन है वो तो जहां तक फिल होगा वहां रहना चला जाएगा। फिर हमने कॉपी किया और इसी के नीचे इसको पेस्ट कर दिया और फिर हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया और शॉर्ट में चले गए और यहाँ पे हमने सीरियल नंबर को अकॉर्डिंग शॉर्ट कर, और फिर सीरियल नंबर तो हमारे पास अलग से ऐड हुआ था, ऐड ऑन था, हमने इसको डिलीट कर। अब इसमें एक चीज और आती है, जैसे कि आप अगर डेटा लेते हैं तो डेटा में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे डेटा आपको मिलते होंगे जिसमें कुछ कुछ ब्लैंक रो होंगे। जैसे अगर मान लीजिए 10,000 डेटा है उसमें हो सकता है 100 ब्लैंक रो, तो मुझे ब्लैंक रो के लिए आप लोग क्या करते हैं फिल्टर लगा के उसको डिलीट करते हैं। तो फिल्टर लगाने पे बड़ा डेटा हो तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, डिलीट करने की प्रॉब्लम होती है और पीछे के डेटा भी डिलीट हो जाए इसके भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम एक और मेथड है वो सॉर्टिंग का मेथड है। पहले डेटा को आप सेलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद आप कस्टम शॉर्ट पे जाएं
और किसी एक फील्ड के अकॉर्डिंग आप उसको सॉर्ट कर दें। उससे क्या होगा कि जो भी ब्लैंक रो है वो नीचे चला जाएगा, डिलीट नहीं होगा। इससे आपका काम फास्टली होगा, हैंग नहीं होगा और आपका बेनिफिट्स होगा। इसलिए से क्लियर है? सर, अगर हम चाहे बिना शॉर्ट किए हुए अगर डिलीट करें तो फिर कैसे करेंगे सर? बिना सेट ये करने में क्या डिलीट, क्या तो फिल्टर लगा के डिलीट करना पड़ेगा ना आपको सर। ओके सर। अब यहाँ पे एक और बात आती है, आप बताइए, अब नोट पैड है तो नोट करें। अब मेरा होमवर्क, होमवर्क ये है अभी कि हर मुझे हर 3 के बाद एक ब्लैंक होना चाहिए। ब्रदर, एक मैं करके दूंगा, एक आपको करना है। तो आपको मेथड ढूंढने हैं कि हर 3 के बाद, या जो मैं चाहो, 4 चाहो, 5 चाहो, 10 चाहो, उसके बाद मुझे ब्लैंक, एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर, या दो ब्लैंक रो इंसर्ट, जितना मैं चाहूं। ठीक है, ये आप कीजिएगा। अब बात करते हैं कि इस तरह के जो मेथड हमने ब्लैंक रो वगैरह का निकाला, आखिर इसका यूज क्या है ऑफिशियल लाइफ में? चलिए आपको हम यूज भी बताते हैं। आज मेरे पास एक डेटा है, मान लीजिए कि एक किसी का सेल्स डेटा है, बनाता हूं मैं, इसका यूज मैं अपने ऑफिस लाइफ में करता था। और फिर मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम दे दिए। हो सकते हैं कि 30, 32, 35, 40 पे जाए। और फिर हमने यहाँ पे अपने फिगर्स है, नंबर्स जो कि सेल फिगर है वो भी मान लीजिए, चलिए रख देता हूँ, रैंड बिटवीन फॉर्मूला के जरिए। कंट्रोल आर एंड कंट्रोल डी, फिल डाउन एंड फिल राइट एंड पेस्ट वेयर, ये हमारा डेटा है। अब इसमें क्या है कि मैंने अभी तो फिलहाल 34 तक है, हो सकता है 40, 50, 100, 200 तक जाए। अभी क्या है कि हर किसी को, हर ये तो सेल्स है, मुझे इसके साथ इसका टारगेट या कंपेयरिंग भी शो करना है, कितना परसेंट टारगेट अचीव किया है। तो टारगेट को शो करने के लिए क्या करना होता है कि मुझे इसके बगल में एक रो इंसर्ट करना होता है, और फिर इस पे मुझे देना होता है परसेंटेज का सैंपल, फिर डेटा को देना होता है डिवाइड बाई 70, 70 इज द टारगेट, और फिर इस पे परसेंटेज का सिंबल लेके, और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना होता है, और इसी प्रोसीजर को सब में करना है। और एक प्रोसीजर, एक कॉलम को करने में तकरीबन 30 से 35 सेकंड का टाइम लगता है। तो समझिए कि 100 अगर करते हैं तो मतलब कि आपका आधे घंटे का टाइम लगेगा, 200 अगर ज्यादा है तो और ज्यादा टाइम लगेगा। और साथ में जहां मैनुअल वर्क करते हैं वहां पे एरर तो होते ही है, तो एरर्स होने की भी चांसेस हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए कि मुझे ये काम विदिन सेकेंड में हो जाए। तो चलिए हम कैसे करेंगे बताता हूँ आपको, क्या करना है, समझ में आ गया ना आप लोगों को? उदय जी, करण यस जी, रवि जी, सर। हाँ जी, हाँ आपको समझ में आया ना क्या करना है? जी सर। शरद जी, क्या हुआ, आप चुप चुप बैठे हुए हैं, कुछ पूछते नहीं है? कोई सर मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो मोबाइल से किया। बात है, मोबाइल से पूछ ही सकते हैं ना सर। हाँ हाँ सर, एक हर एक कॉलम के बाद में एक ब्लैंक कॉलम ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं ये दे दिया 1, 2, 3 दे दिया नंबर, ठीक है। और नंबर देने के बाद इसी नंबर को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने यहां पेस्ट कर दिया, रिपीट कर दिया क्योंकि एक एक ब्लैंक कॉलम चाहिए। फिर इसको सिलेक्ट किया और हम यहाँ कस्टम सॉर्ट में आ गए। कस्टम सॉर्ट में ऑप्शन पे गए और हमने कर दिया शिफ्ट सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, और फिर इसको हमने रो 1 के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके ओके कर दिया। तो यहाँ पे 1 1 इकट्ठा हुआ, लेकिन हमने एक गलती कर दी, हमें यहाँ परसेंटेज का सैंपल भी लगा देना चाहिए।
अब सॉर्ट करते हैं, कस्टम सॉर्ट, और यहां पे हमने रो वन एंड ओके कर। अब यहां भी करना क्या है कि मुझे इसके ऊपर डिवाइड बाय 70 करना है और फिर उसके अंदर, तो अभी मेरा आधा काम ही हुआ है, आधा काम बचा हुआ है। तो यार एक चीज याद रखिएगा, हमारे पास एक फीचर है यहाँ फाइंड एंड सेलेक्ट में, गो टू स्पेशल, इसमें आप जो सिलेक्ट करेंगे, जो लिखेंगे वही सिलेक्ट होगा। जैसे मैंने बोला कि मुझे कॉन्टेक्स्ट में सिलेक्ट करना है जो कि नंबर्स है, एंड ओके कर दिया। डेटा में जितने भी नंबर वैल्यू है उसको उसने सिलेक्ट कर दिया, ऐसे ब्लैंक वैल्यू है, कुछ वैल्यू है उसको सिलेक्ट कर लेता। तो हमने क्या किया इसमें कि यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं, ये फालतू है। मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे फाइनल सिलेक्ट में गो टू स्पेशल, और यहाँ पे हमने ब्लैंक को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो क्लिक करते ही देखिए डेटा सिलेक्ट हो गया। अब एक चीज और यहाँ आप देख लीजिए, किसी डेटा में अगर आपने एरिया सिलेक्ट किया है तो दो चीजें है, एक है सिलेक्शन जो कि सी 5 से आई 17, और दूसरा है एक्टिव सेल जो कि सी 5 है। मतलब कि इस पे हम कुछ भी टाइपिंग करके एंटर मारेंगे तो मुझे अगले सेल में टाइप करने का मौका देगा। लेकिन मान लीजिए कि मैं टाइप कुछ किया और एंटर नहीं मारा, हमने कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया, तो जितना एरिया सिलेक्टेड है उस सबको कॉपी पेस्ट कर देगा। जैसे देखिए आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पे इक्वल किया, 33 को सिलेक्ट किया और डिवाइड बाय 70 कर दिया, और मैंने यहाँ पे नॉर्मल एंटर नहीं मारा, मैं मारा कंट्रोल एंटर। मतलब इसको सिलेक्ट किया और डिवाइड बाय 70 कंट्रोल एंटर, तो जितना सिलेक्टेड रेंज है सब पे चला गया। और इसको परसेंटेज भी चाहिए तो मैंने इसको क्लिक करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर, और आफ्टर दैट मैंने यहाँ रो डिलीट कर दिया और नीचे का जो रेफरेंस है उसको भी हम डिलीट कर देते हैं। बन गया डेटा सर। उदय जी, करण जी, शरद जी, समझ में आया? यस सर, हाँ सर, समझ में आया। इस तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बात आता है हमारा फिल्टर का, तो फिल्टर तो आप यूज करते ही हैं, आपने फिल्टर लगा लिया यहां से इस पे जाके, इसका शॉर्टकट किया है कंट्रोल शिफ्ट एल, उसके बाद जो डेटा देखना है एम का देखना है तो आपने क्लिक करके किया और यहाँ पे एम का पे क्लिक कर दिया, तो सारा एम का डेटा ही रीजबल होगा। उसी तरीके से मान लीजिए कंडीशन चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कंडीशन देना चाहते हैं आप, तो ये कंडीशन है कि इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू बिगेन विद, ये कंडीशन आप लगा सकते हैं। सिंपल जैसे कंडीशन आपने लगाया था उसी तरह से यहाँ लगाना होता है। उसी तरह से अगर आपके पास नंबर फॉर है, नंबर है तो उसी तरह से नंबर की फिल्ट्रेशन कर सकते हो आप, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, वगैरह वगैरह, अबव एवरेज, टॉप 10, ये फिल्ट्रेशन आपका होगा। और सेम आपका डेट का फिल्टर होता है कि डेट फिल्टर ईयर में हो गया, मंथ में हो गया, और कोई कंडीशन या सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग फिल्टर करना है तो आप ये लगा सकते हो। कंडीशन आपके इक्वल, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, यहाँ पे आप डेट मेनुअल डालोगे, बाकी आपके सिस्टम डेट से जैसे टुमारो, कल की डेट हाईलाइट हो जाएगी, आज की, कल की, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, ये आपके सिस्टम डेट से कनेक्टेड हो जाए। अगर आपके आपके पास डेटा का 4 साल का है, 5 साल का डेटा है, आप चाहते हो कि क्वार्टर वन हर साल का मुझे डेटा फिल्टर हो जाए, तो ऑल डेट इन पीरियड में क्वार्टर वन सिलेक्ट करोगे तो क्वार्टर वन का डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल है, कोई खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है उदय जी? हाँ सर। अब हमने होम मेनू आपका खत्म कर दिया है, तो अब आपको क्या करना है, एक तो मैंने आपको होम मेनू के सारी रिकॉर्डिंग्स ग्रुप पे भेज दी गई है, तो अगर किसी क्लास की रिकॉर्डिंग मिसिंग है तो उसको उस रिकॉर्डिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? दूसरी, आपको एक काम और करना है कि होम मेनू बार को एक बार स्कैन करना है, मतलब उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक ऐसा है जो कि मैंने आपको नहीं बताया या आप सही से सीख नहीं पाए, उसको रिपीट चाहिए आपको।
हम उसको दोबारा से दूसरे तरीके से समझा के फिर हम आगे बढ़ेंगे पिवट टेबल मतलब कि इंसर्ट मेनू बार के वापस। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है। तो उदय जी एंड करण जी रवि जी आप सॉर्टिंग पे जो मैंने आपको सवाल दिया है उस पे रिसर्च कीजिए, उसका तरीका खोज के मुझे मेल कीजिए, राइट। और होम मेनू बार को स्कैन कर लीजिए, स्कैन करके आप लोग अपने अपने रिपीटेड टॉपिक भेजिए कि हम मुझे सर ये टॉपिक को पढ़ना है, ये टॉपिक को पढ़ना है, मैं क्लब करूंगा फिर आपको ट्रेनिंग दूंगा। ठीक है, ओके ठीक है सर, ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट, ठीक है सर, इसलिए गुड नाइट सर, बार बार।